हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। तो मैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ में। तो कैसे, इस वीडियो में मैं आपको दो इवेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। एक तो है मिस्ट्री शॉप और एक है विशिंग वेल। तो गाइस, दोनों हमें इस गेम में देखने को मिल रहे हैं आज के दिन। और मिस्ट्री शॉप आ गई है यार, मुझे भरोसा नहीं था कि इतनी जल्दी मिस्ट्री शॉप आ जाएगी। तो मिस्ट्री शॉप को भी मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा खास होगा। तो यार, वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हो, सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब के साथ साथ बाजू में बेल आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसको ऑल पे सेट कर देना। तो चलिए चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो गाइस, गेम जैसे ही ऑन करोगे तो आपको मिस्ट्री शॉप का बैनर देखने को मिल जाएगा। तो मैं बैनर से जा रहा हूँ क्योंकि अंदर से भी एक्सेस पॉइंट आ चुका होगा। वैसे तो डेफिनेटली मिस्ट्री शॉप का अगर कहीं और इवेंट में नहीं मिला तो न्यू सेक्शन से मिल ही जाएगा। तो चलिए मिस्ट्री शॉप के अंदर चल के देखते हैं और देखते हैं कि मुझे कितना लक, मतलब कितना डिस्काउंट मिलता है मुझे। और ये भी देखते हैं यार, जो मैंने लीक्स दी थी, जो इन्फॉर्मेशन दी थी, वो कितनी सही है। मुझे लगता है कि कुछ तो सही होगा, डेफिनेटली कुछ तो सही होगा यार। सो गाइस, देख सकते हो बैनर का फोटो दिख रहा है, एग्जैक्ट सेम बैनर वही है जो मैंने आपको दिखाया था। और आपको दिख रहा है ट्राई और लक इधर करके, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको डिस्काउंट की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो चलिए सीधे ट्राई और लक पे क्लिक करते हो, देखते हैं कि हमें कितना डिस्काउंट मिलता है। तो काउंटिंग शुरू हो गई है और जब चाहे तब आप इस स्टॉप पे क्लिक करके इसको रोक सकते हो। मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ ऐसे ही, पता नहीं क्यों मुझे मज़ा आ रहा है थोड़ा सा टाइम लेने में, और मैंने इस स्टॉप पे क्लिक कर दिया है। लेट्स सी हमें कितना डिस्काउंट मिलता है। और सीरियसली, सिर्फ और सिर्फ 40%, 47%। वाओ गरीना, वाओ 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 यार, मैंने तो टॉपअप भी नहीं करा बहुत टाइम से इसके चक्कर में, फिर भी 47% क्या यार। तो चलिए मिस्ट्री शॉप के अंदर देखते क्या देखने को मिल रहा है हमें। तो ये मेल सेक्शन से शुरू होता है और मेल सेक्शन में हमें एलर्ट पास देखने को मिल गया। तो ये सबसे अच्छी बात है, मैं कुछ भी हो जाए एलर्ट पास तो लूँगा ही यार, बाकी फ़र्क नहीं पड़ता कुछ लूँ या नहीं लूँ, पर एलर्ट पास मैं लूँगा डेफिनेटली। एलर्ट पास ना वर्थ बाइंग होता है यार। फिर नीचे वेपन रॉयल वाउचर्स देखने को मिल रहे हैं, रोबो पैट देखने को मिल रहा है, और बाकी बैकपैक्स वगैरह है, लूट बॉक्स है, लॉल वाला इमोट है, और ये रॉयल्स के लक रॉयल के वाउचर्स वगैरह है, और एलाइट पास के टोकन से। तो 13 डायमंड का एक टोकन है यार, बाप रे इतना महंगा। तो कैसे देख सकते हो आप लोग, मतलब ठीक है हर चीज़ अच्छी नहीं है, बट यार हो सकता है किसी को ये चीज़ें भी पसंद आ जाए। ठीक है, मुझे तो पसंद नहीं आई, हो सकता है आप लोगों को पसंद आ जाए। तो आप लोगों को जो पसंद आ जाए वो खरीद लेना, मैं तो एलाइट पास खरीदूंगा मेल सेक्शन में से। और अब चलते हैं फीमेल सेक्शन में, स्विच करता हूँ मैं फीमेल सेक्शन में, एक बार देख लेते कि क्या क्या है, क्योंकि फ्री है स्विच करना, हमेशा 10 डायमंड मांगता है, लास्ट टाइम भी फ्री था, इस बार भी फ्री है। तो देखते हैं फीमेल सेक्शन में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो नेम चेंज कार्ड में जो एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है फीमेल सेक्शन में, पर वो भी महंगी है, मैं नहीं लेने वाला। बाकी फिर बात करें तो फीमेल सेक्शन में और कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास नहीं फीमेल सेक्शन में। स्टेफी कैरेक्टर है, अगर वो लेना तो ले लो, उसकी एबिलिटी थोड़ी सी बेटर है, एक सर्कल में बना देती है वो, उसमें आप देते हो तो आपके टीममेट्स को और आपको डैमेज कम लगता है, सामने वालों को डैमेज ज़्यादा लगता है, तो ऐसी कुछ एबिलिटी है उसकी। तो फीमेल सेक्शन तो बेकार है, मेल सेक्शन में से मैं सिर्फ एलाइट पास लेने वाला हूँ, बाकी और कुछ नहीं लेने वाला। मिस्ट्री शॉप तो मतलब डिस्काउंट अच्छा नहीं दिया यार, नहीं तो मैं और कुछ भी लेने का सोच सकता था, वाउचर्स वगैरह ले लेता, बट इतना डिस्काउंट, इतने कम डिस्काउंट में तो मैं वाउचर्स भी नहीं लेने वाला यार। 47% यार, सिर्फ 47%, 50% तो उसमें लक रॉयल में आ ही जाता कुछ टाइम बाद जाके। हट सो गाइस, नेक्स्ट इवेंट की बात करें तो वो है विशिंग वेल इवेंट। तो देख सकते हो आप लोग, ये भी इसका बैनर है, तो मैं बैनर से जा रहा हूँ। विशिंग वेल इवेंट यार अच्छा इवेंट है, लास्ट टाइम आया था तो बहुत अच्छे अच्छे रिवॉर्ड दिख गया था, इस बार भी अच्छे रिवॉर्ड मुझे लगता है कि मिल जाएंगे इसके अंदर। बाहर से तो देखने को लग रहा है गन क्रेट वगैरह है, बैकपैक है, बैकपैक लास्ट टाइम लेजेंडरी बैकपैक दिया था, लेजेंडरी नहीं तो बोल सकते, एक अच्छा वाला बैकपैक दिया था यार, जो शायद एंजल्स हार्ट वाला बैकपैक था। इस बार शायद बैकपैक है ना, ये नॉर्मल वाला ही बैकपैक है, बस कलरफुल है। तो लेट्स सी अंदर चलते हैं इसके अंदर विशिंग वेल के अंदर और देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है एज अ रिवॉर्ड इसमें। तो गाइस देख सकते हो पहला इंटरफेस आ गया, सबसे पहले हमें गन स्किन्स देखने को मिल रही है, मतलब क्रेट है, स्किन्स नहीं है, तीन तीन क्रेट है। बट यार तीन क्रेट में भी पता है मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मैंने मोस्टली ट्राई करा है ना, मेरे को M10 मिली है और मेरे को फ्लेमिंग अपनी AN94 मिली है, तीन तीन क्रेट में ही मिली है ये मुझे। तो देख सकते हो आप लोग, सबसे पहले MP40 है, फिर ग्रोजा है, ग्रोजा की डबल एक्यूरेसी वाली है ये शायद, फिर ये स्कार है, ड्रैगन स्कार है, ये शायद लेजेंडरी है, फिर एक और स्कार है और M4A1 और लास्ट में फिर से MP40 है। तो यार लेजेंडरी स्कार है शायद से, ड्रैगन स्कार, तो मैं ड्रैगन स्कार लेने वाला हूँ। वैसे मोस्ट ऑफ सबकी गन स्किन अच्छी वाली है मेरे पास ऑलरेडी, डबल रेट ऑफ फायर वाली अर्थ है, अर्थ M4A1 है, क्यूपिड स्कार है, और वो गोल्डन स्पीड वाली MP40 है मेरे पास, तो मैं वो यूज़ करने वाला हूँ। बट शायद ये स्कार लेजेंडरी, इसलिए मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेट्स सी लेजेंडरी होती है कि नहीं होती है। फिर अब नेक्स्ट जो आपको ऊपर दिख रहा होगा वो है बैकपैक का, तो चलिए बैकपैक में देखते हैं हमें क्या, कौन से बैकपैक देखने को मिल रहे हैं इस बार। तो यार सिंपल वाला बैकपैक है, बस कलर थीम बेस पे कलर करे हुए हैं, मेरे को नहीं पता है, मोस्ट ऑफ दी बैकपैक्स तो हैं मेरे पास यार ये वाले, मैं कभी यूज़ नहीं करता था, मुझे पता नहीं है कि कौन कौन से हैं,
तो मैं लास्ट वाला यूज लेने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये ईस्टर वाला है, और ईस्टर वाला शायद बैकपैक मेरे पास नहीं है, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने कभी लिया हो ऐसा कोई बैकपैक, तो मैं लास्ट वाला बैकपैक टिक करता हूँ और वो ले लेता हूँ। आपको जो पसंद आए आप डेफिनेटली वो ले लेना, वही रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। अब थर्ड पेज पे जाए तो थर्ड पेज है पैराशूट वाला, तो पैराशूट तो यार इतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, तो मैं कोई सा भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको जो पसंद आए आप वो सिलेक्ट कर लेना, इसमें क्या बताना है यार। अब जो लास्ट है वो है पैट को लेके, पैट का सेक्शन है, तो यार पैट नहीं मिल रहा इसमें, पैट की स्किन्स मिल रही है ठीक है, तो शिबा है अपना, डॉग पैट है, पैंथर है, और किटी है, तो किटी की ये स्किन तो ऑलरेडी सबके पास होगी, सबके पास होगी, और आपको जो पसंद है वो ले लेना। मैं सेकंड नंबर वाली स्किन ले रहा हूँ पैंथर की, क्योंकि ये पैंथर की स्किन मुझे अच्छी लग रही है, और शायद ये बहुत ही अच्छी लेजेंडरी टाइप की स्किन है। बाकी तो यार मेरे पास दूसरा पैट है ही नहीं, ना शिबा है ना डॉग पैट है, मैकेनिकल पप भी नहीं है। तो गाइस ये आ गए हम हमारे मिशंस वाले पार्ट में, सारे रिवॉर्ड खत्म कर सिलेक्ट करने के बाद आप मिशंस वाले पार्ट में आ जाते हो, तो ये मिशंस आपको पूरे करने हैं, मेरे पूरे हो चुके हैं, तो ये विश विश जो अब आ रहा है मैं उस पर क्लिक करूँगा, तो सारे टोकन मैं क्लेम कर लूँगा एक एक करके, आप भी ऐसे क्लेम कर लेना। और ऊपर देख सकते हो आप जितने टोकन क्लेम कर रहे हो ऊपर उतना बार आपका बढ़ता जा रहा है, और जैसे ही वो 50 पे आ जाएगा तो आपको पहला स्पिन मिलेगा, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो तो 50 पूरा हो गया तो मेरे को पहला स्पिन मिल गया, और जैसे मैं उसके मतलब जो गिफ्ट बना हुआ है गिफ्ट के ऊपर क्लिक करूँगा ना, तो इधर मेरा स्पिन शुरू हो जाएगा, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो स्पिन हो रहा है, लेट्स सी हमें सबसे पहले स्पिन में क्या मिलता है। तो बैकपैक मिल गया मुझे गाइस फर्स्ट स्पिन में, देख सकते हो कांग्रेचुलेशंस आई गॉट द बैकपैक। फिर आपको कल वापस से लॉगिन करना है, कल सेम यही मिशंस होंगे, इनको पूरे करना है, फिर से विश पे क्लिक करके उनको क्लेम करना है। तो जैसे आप 100 पे आ जाओगे तो आपको एक और स्पिन मिलेगा, आपको 250 पे एक और स्पिन मिलेगा, फिर आपको 300 पे एक और स्पिन मिलेगा, ऐसे ही करके आप चारों आइटम जो आपने सिलेक्ट कर रहे हैं वो आप ले सकते हो, वो भी फ्री में। तो यार ये इवेंट मुझे पसंद है पर्सनली, ऐसा कुछ इवेंट यार गरीना को देते रहना चाहिए, लास्ट टाइम बहुत पहले आया था यार, बहुत टाइम बाद जाके ये इवेंट वापस आया गेम के अंदर। तो यार ऐसे इवेंट ना थोड़ा क्रिएटिव लगते हैं, जिसमें हमें फ्री की चीज़ें सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है कि यार अपन को जो पसंद है वो ले लो, बस थोड़े से रिवॉर्ड गरीना यार अच्छे दे दो, थोड़े से अच्छे। मैं मान सक जानता हूँ कि यार एकदम लेजेंडरी आइटम तुम फ्री में नहीं दे सकते हो, बट यार थोड़े से तो अच्छे दे दो यार, जो पुरानी चीज़ है वो दे दो यार, अब तो कौन खरीदता पुरानी चीज़ें। सो गाइस होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये विशिंग वाला इवेंट तो बहुत अच्छा है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। यार मुझे बड़ा बुरा लगा, मिशो शॉप में मुझे बहुत कम डिस्काउंट मिला, सिर्फ 47%, आप लोगों को कितना डिस्काउंट मिला नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मिशो शॉप से क्या परचेस करा वो भी जरूर बताना। सो यार वीडियो को ही रैप अप करते हैं, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, और कमेंट करके जरूर बताना कि मिशो शॉप में आपको कितना डिस्काउंट मिला। सो गाइस बाय बाय। Drop top, smoking, no cooking, the hot box. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot.